हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज बनाऊंगा मैं चिल्ली चिकन। और ये लिया हमने थाई। थाई से हम फैट प्लस बोन निकाल देंगे, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से हमने बोन निकाला और इसका भी हम फैट निकाल देंगे। अब थाई चिकन के छोटे छोटे पीस करेंगे। इसके बाद चिकन को हम एक बाउल में डाल देंगे। ये मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिया है, अनियन, स्प्रिंग अनियन, ग्रीन कैप्सिकम, रेड लो कैप्सिकम डाइस कट में। इसके बाद मैरिनेशन करेंगे चिकन ब्रोथ 1 टेबल स्पून, हल्का सॉल्ट 1 टेबल स्पून, चिल्ली पेस्ट 2 टेबल स्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 स्पून एग। अब इसको हम मिक्स कर देंगे। अब इसके बाद इसमें हम कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे और उतना ही मैदा डालेंगे। इसको भी बढ़िया मिक्स करेंगे और आप देख सकते हैं हमारी बढ़िया कोटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम डीप फ्राइड करेंगे और चिकन के पकौड़ों को अलग अलग डालें जिससे वो चिपके ना आपस में और बढ़िया से फ्राई हो जाए। पकौड़ों को 3 मिनट तक ही फ्राई करें। तो चलो दोस्तों, अब बनाते हैं हम सॉस। 2 टेबल स्पून ऑयल, ग्रीन चिल्ली डाइस कट में, गार्लिक 2 टेबल स्पून, जिंजर 2 टेबल स्पून, वेजिटेबल्स ऐड किया और इसको टॉस करें बढ़िया से। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून चिल्ली पेस्ट, 1 टेबल स्पून टमाटो केचप, 1 टेबल स्पून ऑयस्टर सॉस। इसके बाद इसको हम टॉस करेंगे, वेजिटेबल्स को ज़्यादा ना गलाएं। इसके बाद पानी ऐड करेंगे 1 कप, बढ़िया से टॉस करेंगे और ये हमारे चिकन के पकौड़े भी तैयार हैं। चिकन ब्रोथ 1 टेबल स्पून, सॉल्ट 1 टेबल स्पून, हल्का चिली ऑयल, घोला हुआ कॉर्नफ्लावर और पकौड़े ऐड किए और टॉस करेंगे इसको बढ़िया से। और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम 1 टेबल स्पून विनीगर और कुकिंग वाइन, टॉस करेंगे बढ़िया से। इसके बाद ऊपर से चॉप स्प्रिंग अनियन। तो दोस्तों, हमारी प्लेटिंग भी तैयार है। इसके बाद डालेंगे हम ऊपर से चिल्ली चिकन। तो ये हमारा चिल्ली चिकन तैयार है। और गार्निश में स्प्रिंग अनियन और साइड में मेयोनीज। तो दोस्तों, कैसा लगा, लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। और